Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उसके बाद बाहुबलियों पर शिकंजा कसता तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्तियों के साथ साथ जिस तरीके से उनके परिवार और सगे संबंधियों पर लगातार योगी सरकार की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर अब जो है मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भाई अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, तो दूसरे उनके बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं और इस बार उनके बेटे जो मनु अंसारी हैं वो विधायक का चुनाव जीते हैं। अब जो है कल जिस तरीके से लगातार पूछताछ हो रही है उसके बाद अब सिबकतुल्ला अंसारी का भी नाम सामने आने लगा है। दरअसल बात करें तो बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का आय का आखिरकार क्या जरिया है, वर्तमान में किस कंपनी से उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल रही है, लोकसभा चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी को किसने फंडिंग की, कहीं कोई बेनामी कंपनी तो नहीं जिससे यह सारा खेल हुआ, इन सवालों के जवाब के लिए पूछताछ कर रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी से पूछताछ के बाद ईडी मंगलवार को मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को सिविल लाइन स्थित ईडी कार्यालय में घंटे पूछताछ की, उनकी आय और व्यय के बारे में जानकारी ली गई। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को भी ईडी ने नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया था। पूर्व विधायक मंगलवार सुबह 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने ईडी की जांच में मदद की बात की। ईडी ने सबसे पहले उनकी आय और व्यय के में पूछताछ की। पूर्व विधायक ने सरकारी पेंशन की जानकारी दी। इसके अलावा बताया कि उनके पास खेती है। ईडी ने फिर उनकी पत्नी और बेटों के आय के बारे में पूछा। यह भी जानकारी ली कि एक साल में पूरा परिवार कितना इनकम टैक्स भरता है। इसके अलावा पिछले 10 साल में उनकी आय के सभी स्रोत के बारे में सवाल जवाब किया। एक कंपनी से हुआ है मुख्तार अंसारी के परिवार का लेन देन। बीते दिन एक कंपनी से मुख्तार के परिवार के लेन देन की बात सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी छानबीन का तो पता चला कि एक कंपनी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी बेटे और भाई का लेन देन हुआ है। ऐसे में यह जांच शुरू हो गई है कि कहीं वो बेनामी कंपनी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है लेकिन मुख्तार का पैसा लगा हुआ। इन सारे मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी से लेकर अफजाल अंसारी तक से पूछताछ की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आखिरकार जब नतीजे आते हैं तो सच्चाई क्या होती है। क्या सच में मुख्तार अंसारी की अवैध कंपनियों से इनके भाइयों का लेन देन चल रहा है या फिर ये बस एक साजिश के तहत इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.